पंचायत पार्ट वन पार्ट टू डाला था, लेकिन मैंने पार्ट तीन आज नहीं स्टार्ट कर सकता बिकॉज कई स्टूडेंट्स का कह रही था कि एक दो वीडियो रूलर इकोनॉमिक्स उसके सिलेबस को बता के किया जाए और रूलर इकोनॉमिक्स के पहले बना दिए जाएँ, साथ में पंचायत की भी चलेंगे। तो मैं आज टाइम पर कम होने के कारण मैं आपको दो पार्ट रूलर इकोनॉमिक्स के बता रहा हूँ। पहले हम इस पर सिलेबस डिस्कस करना है पहले कि सिलेबस में क्या क्या है। पहले अगर जिस स्टूडेंट ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले तो। इजी जनरल नॉलेज वाई रूप सर नाम से ये चैनल है, आप इसको सर्च कर लीजिए और पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरी पार्ट जो आगे की वीडियोज है वो आपको मिल जाए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर सेम है, आप इस पर कॉल और व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं कोई डाउट रहता है मेरे सेशन पे। तो हम पहले पार्ट वन में इसके सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं और एक टॉपिक भी अपन इसको करेंगे। पार्ट वन में है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है पार्ट। सिलेबस में हमारे टॉपिक देखी जाए बेरोजगारी है, गरीबी है, नियोजन है, भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जो मैं आपको पर डे से आज तो नहीं पहले दो वीडियो में नहीं ले रहा हूँ इस टॉपिक को, बड़ा टॉपिक है। इसकी हम योजना कम से कम 25-25 योजना डिस्कस करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है कृषि, लेकिन कृषि हमें दो वे में नहीं पढ़ना है, तीन वे रहेंगे, एमपी भारत और वेस्ट, तीनों वे से पढ़ाऊंगा डायग्रामेटिकली। खनिज भी इसी प्रकार से, वन संपदा भी है, ऊर्जा संसाधन भी है और इंडस्ट्रीज है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा टॉप क्वेश्चन जो आएंगे वो नियोजन पे आना है, यानी वो 5 ईयर प्लान चले थे उस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे। गरीबी पे एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बेरोजगारी पे एक आध आ सकता है। दूसरा नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश अपन कृषि प्रधान राज्य है तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर वो एग्रीकल्चर डालेगा। तो अपन दोनों पॉइंट्स को देखना है, एग्रीकल्चर अपन देखेंगे भारत में भी हो जाए तैयार और एमपी भी तैयार हो जाए और वेस्ट भी हो जाए। इसी प्रकार खनिज, वन संपादन और ऊर्जा संसाधन और उद्योग पर जाना है। पार्ट वन का हमारा पहला टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी एमपीपीएससी के मेंस में है, प्री में नहीं है, टॉपिक है प्री में, छोटा सा टॉपिक है। तो हमारा दोनों पॉइंट से कि हमारा प्री का भी बन जाए और मेंस भी बन जाए, हमारे रूरल इकोनॉमिक में इसका भाग है वो भी हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कवर हो जाए। तो पहले हम देखते हैं बेरोजगारी होता क्या है। इंग्लिश में इसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले डिस्कस कर ले, इसका साप्ताहिक मीनिंग क्या निकल गया, इस वर्ड्स का मीनिंग है क्या। इसका अगर हिंदी में विस्तार करें तो बे मतलब होता है बिना, जब कोई व्यक्ति कोई रोजगार नहीं है, यानी कोई व्यक्ति बिना रोजगार के है, तो ये तो साप्ताहिक। दूसरी डेफिनेशन हम इसके बता सकते हैं, जब कोई व्यक्ति न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए राजी रहा लेकिन उसे फिर भी काम नहीं मिला तो वो व्यक्ति कहलाता है बेरोजगार। या हम दूसरे टर्म में एक और डेफिनेशन की ये बता सकते हैं कि रोजगार की संख्या बहुत कम है और कार्य करने वाले ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल पटवारी ले ले, 9300 पोस्ट है और उसमें 10 लाख से प्लस फॉर्म डाले गए हैं, तो वैकेंसी तो कम आई लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा डाले गए। तो इस प्रकार ये हमारे स्थिति कैसी निकल गई अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की। अब आते हैं बेरोजगारी की संख्या कैसे फाइंड आउट करना है। तो श्रम शक्ति माइनस रोजगार में लगे श्रमिक है तो हमें किसी भी देश के बेरोजगारों की संख्या फाइंड आउट हो सकती है। फिर आता है बेरोजगारी दर क्या है। बेरोजगारी दर बराबर होता है बेरोजगार की संख्या डिवाइड बाय श्रम शक्ति इक्वल टू 100। अब ये श्रम शक्ति क्या होता है, इसका मतलब होता है 15 से 65 वर्ष के लोग को ही इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है और ये व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। कीन्स के बारे में अपन से पूछ सकता है। कीन्स ने हमें सबसे पहले बेरोजगारी सिद्धांत दिया था, जो समय प्रचलित से का सिद्धांत था उसके विपरीत सिद्धांत दिया गया था और इनने बताया था कि उत्पादन किसी वस्तु की मांग पर निर्भर करता है, अगर मांग ज्यादा है तो उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा होगा और बेरोजगारी कम होगी। इन्हीं ने सबसे पहले, लेकिन ये एग्जाम बहुत मुश्किल है क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में ज्यादा पूछता है। तो अपन को पहले आता है बेरोजगारी के प्रकार में जाए तो विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी, एक तो चक्रीय मिलती है और एक अपनी फ्रिक्शन या घर्षण जनित बेरोजगारी। पहला आते हैं चक्रीय बेरोजगारी पे। वह बेरोजगारी जो मांग के कारण उत्पन्न हो, मांग के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई और मांग के पूर्ण होने पर यह बेरोजगारी समाप्त हो जाए। जैसे 9000 वैकेंसी आई है पटवारी की आई हो लेकिन 4000 ही फॉर्म डले, तो मांग तो 9000 की थी लेकिन आई वैकेंसी 4 ही है हमारी,
तो ये हमारी सरकार, जैसे अगर ये पोस्ट फिल हो जाए तो ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये बेरोजगारी भारत में तो होगी नहीं, अपने यहाँ तो 9,000 10,50,000 फॉर्म डाले तो ये बेरोजगारी अपने यहाँ नहीं है, ये बेरोजगारी हमारी मिलती है विकसित देशों में, और मैक्सिमम नंबर में विकसित देशों में साइक्लिक बेरोजगारी मिलती है। दूसरा बेरोजगारी है हमारा फ्रिक्शन बेरोजगारी या घर्षण जनित बेरोजगारी। जब व्यक्ति एक रोजगार छोड़ दूसरे रोजगार में जाएगा तो दो रोजगार के मध्य वो व्यक्ति बेरोजगार होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब एक कोचिंग को छोड़कर अगर दूसरी कोचिंग में पढ़ाने जाता हूँ तो वो कोई भी इस टाइमिंग के बीच में मेरे को पैसा तो देगा नहीं, तो उस बीच की अवधि को अपन घर्षण जनित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। ये बेरोजगारी भी अपने देश में नहीं है, ये अधिकतर विकसित देशों में ही पाई जाती है। अब आते हैं अपन संरचनात्मक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पटवारी में आएगा क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है। तो रोजगार के अनुसार योग्यता ना होना वो बेरोजगारी, हमारी स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक, दूसरी चीज, भारत में सबसे ज्यादा है, अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका पटवारी का एक क्वेश्चन है, किसी भी शिफ्ट में ये आएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन ये रहा जो पटवारी के पेपर में आना है। अगर मैं इस पूरी चार्ट की बात कर लूं, मैं आपको पढ़ने की सलाह सिर्फ इतना दूंगा कि एक तो ये पॉइंट रट ले जाओ और एक ये पॉइंट रट ले जाओ, इन दो पॉइंट्स के अलावा तीसरा वो नहीं पूछने वाला। फिर आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी, वह न्यूनतम दर जिस पर व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसकी वहां पर इच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंजीनियर हूं और मैं अगर 10,000 की जॉब कर रहा हूं तो ये मजबूरी की टॉप पर मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मैं इस पर कार्य करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को परिणाम दिया अनैच्छिक। 99% ये नहीं पूछे आपसे। शिक्षित बेरोजगारी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसे हम शिक्षित के नाम से देखें। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे बता एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इंजीनियर है, इंजीनियर में से हमने नॉलेज ली लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता, इस प्रकार की बेरोजगारी को अपन ने शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी साथ में कराया जाए और पहले से वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाया जाए, थ्योरी के साथ साथ सॉफ्टवेयर पर फोकस करते तो हम सफल होते, तो इस प्रकार की। अब आती है अपनी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जस्ट सिंपल वर्ड से क्लियर हो रहा है कि मौसम के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई मौसमी बेरोजगारी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ये बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, ये हमारा क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछेगा। तो ये बेरोजगारी हमें कृषि के क्षेत्र में मिलती है। दूसरा पढ़ेंगे अद्रस प्रचन परोच छुपी हुई बेरोजगारी, ये आपका तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछेगा, और विद गारंटी ये अभी तक पढ़ा है वो में से सबसे इंपॉर्टेंट ये, कि ये रूलर एक रोबिक्सरिटी टॉपिक है, आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यक्ति उस जगह काम कर रहा हो, तो ये बेरोजगारी भी हमारी कृषि क्षेत्र में पाई जा रही है। हम एग्जांपल से ऐसे समझ लेते हैं, मान लो मेरे पास 50 बीघा जमीन है तो उस जमीन को मैं अकेला व्यक्ति भी काम कर सकता हूँ, मेरी फैमिली 5 मेंबर हुए तो 5 ही भी कर सकते हैं, तो 4 लोगों की जो उपयोगिता है वहां तो 0 है, तो 4 लोगों की उपयोगिता उस जगह 0 हुई, तो इसमें हमें जो आउटपुट मिल रहा है 4 लोगों का वो क्या आया 0। और भारत के कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यही पाई जाती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला रहा कि भारत में कौन सी बेरोजगारी मैक्सिमम, ये अब मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन ना के बराबर पूछे लेकिन 3 जरूर पूछेगा। पहला कि विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी, तो आपका आंसर रहेगा अपना चक्रीय बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन सी, तो अपन आंसर देंगे संरचनात्मक बेरोजगारी। तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी कौन सी सबसे ज्यादा पड़ी, तो अद्रस इसके अंतर उपयोगिता यानी सीमांत लाभ कितना आउटपुट मिला, तो हमें 0 मिलता है। चौथा अगर और अगर डीप पूछता है तो फिर ये पूछ लेगा चक्रीय बेरोजगारी शब्द किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब दूसरा हमारा पार्ट, इसके बाद जो हमारा पार्ट सेकंड रहेगा रूरल इकोनॉमिक का, वो गरीबी बेस्ड रहेगा और गरीबी से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो आप हमारे पार्ट दूसरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इजी जनरल नॉलेज बाय रूप सर, मोबाइल नंबर ये रहा, कॉन्टेक्ट नंबर, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करके इससे पूछ सकते हैं, तो आप इस पर तैयारी। और हमारा पंचायत पार्ट 3 आपको कल अवेलेबल हो जाएगा, उस पर आज टाइम कम होने के कारण मैं आपको रूरल इकोनॉमिक्स के टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता था, इसलिए मैंने आज ये पार्ट नहीं बनाए। तो पार्ट सेकंड गरीबी आपको अगले कल मिल जाएगा ये पार्ट भी, तो इसको इतना।